दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक मुठभेड़ के बाद दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों दिल्ली में बड़े पैमाने पर कारतूस सप्लाई कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश, जिनका नाम प्रेमपाल और नेत्रपाल है, इनकी तलाश काफी समय से चल रही थी। प्रेमपाल जो है ये पहलवान है। 2009 में आया नगर जो दिल्ली में है, यहाँ पर इसने पहलवानी की थी अखाड़े में, और तब से इसके कॉन्टैक्ट दिल्ली के और आसपास के जो क्रिमिनल्स हैं उनसे हो गए थे। और जो हम लोग आर्म्स पे हमारी ड्राइव चलती थी, उसमें हम हमेशा पाते थे कि हम आर्म्स तो पकड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी शूट आउट्स हो रहे थे, गोलियां चल रही थी। तो देन वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन कार्टर्जेस, और ये कार्टर्जेस का सिंडिकेट है जिसका ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैच है, क्योंकि ये आदमी दिल्ली NCR और आसपास के एरियाज में क्रिमिनल्स को कार्टर्जेस सप्लाई करता था। पुलिस की एक स्पेशल टीम ने 17 नवंबर अलीगढ़ के रहने वाले महिपाल और संदीप यादव को अवैध कारतूस सप्लाई के जुर्म में गिरफ्तार किया था। इन दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि कारतूस प्रेमपाल और नेत्रपाल को सप्लाई करते हैं। इसी बीच जानकारी मिली कि दोनों शातिर अपराधी 5 जनवरी को कालंदी कुछ के पास मीठापुर में आने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक जब जाल बिछाकर इन्हें पकड़ने की कोशिश की गई, तो दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेमपाल और नेत्रपाल पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि प्रेमपाल के सर पर दिल्ली पुलिस ने 1,00,000 का इनाम भी रखा है। पुलिस का ये काम वाकई ही काबिले तारीफ है। दिल्ली से मोहम्मद इरफान के साथ राशि शर्मा की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।